in the last lecture we completed the chapter evolution. Now in this chapter we will solve some of the MCQs regarding the chapter. So in evolution chapter we have seen the origin of life. Life ka origin kaise hua ye hum logon ne dekha. Uske baad mein kuch theories study ki, inorganic evolution ki theory, और फिर कुछ थ्योरी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हमने देखा. देन वी हैव सीन द मॉडर्न थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस जेनेटिक फोर्सेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इवोल्यूशन के लिए. फिर हम लोगों ने स्टडी किया था डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जिसको कहते हैं. और फिर शॉर्ट में हमने स्टडी किया था ह्यूमन इवोल्यूशन अलॉन्ग विद सम रिस्पेक्टिव ancestral skeleton. Now we will solve the MCQ from the MTG NEET guide book which is given to you. तो इसमें से genetics का जो part है principles of inheritance and molecular basis of inheritance उसके MCQ हमने इसके पहले के lectures में complete किए हैं. अभी इस lecture में हम लोग evolution chapter के MCQ करेंगे. तो आप ओपन कर सकते हैं आपकी एमटीजी नीट गाइड बुक और इसमें बीच बीच में एमसीक्यूज दिए हुए हैं. बीच में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के हैं, कहीं पर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज हैं. तो इसमें जो एमसीक्यूज यहाँ इवोल्यूशन के स्टार्ट हैं, सी पेज नंबर 484 पर म्यूटेशन से रिगार्डेड एक एमसीक्यू दिया हुआ है. पेज नंबर 484 एमसीक्यू नंबर 132 दो एमसीक्यूज जो है वो म्यूटेशन से रिलेटेड है. हमने म्यूटेशन का टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी स्टडी किया, मॉलिकुलर बेसिस के अंदर भी देखा. और म्यूटेशन की जो थ्योरी है, म्यूटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. तो जो थ्योरी है हुगो डिवेरिस की वो इवोल्यूशन चैप्टर में हमने स्टडी की है. तो हम बोल सकते हैं कि म्यूटेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके तीनों चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है. सो यहाँ एमसीक्यू नंबर 132 आप देखेंगे, इट इज म्यूटेशंस यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर कॉमनली. ऑप्शन है इंड्यूस्ड, सेकेंड है स्पॉन्टेनियस, थर्ड है लीथल, फोर्थ है रिसेसिव एंड लीथल. तो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो म्यूटेशन देखे जाते हैं वो म्यूटेशन जो है वो कैसे होते हैं ये पूछा गया है. इंड्यूस्ड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, लीथल होते हैं या रिसेसिव और लीथल होते हैं. तो यहां पे लीथल की मीनिंग आपको पता है क्योंकि हमने लीथल अलील स्टडी किया था एक टॉपिक में. तो लीथल की मीनिंग होती है जान लेने वाले, मतलब फैटल. तो अगर कोई ऐसा म्यूटेशन प्लांट में या एनिमल में आ जाए कि जिसकी वजह से प्लांट हो या एनिमल हो उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उस म्यूटेशन का एग्रीकल्चर में कोई यूज नहीं होगा. रिसेसिव एंड लीथल भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साथ में दिए हुए हैं. और ज्यादा करके जो प्लांट्स के अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड में जो म्यूटेशन किए जाते हैं वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं. आपने स्टडी किया होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग का टॉपिक, वो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग दिया हुआ है. उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी वहां पर आपने पढ़ी होंगी. तो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो म्यूटेशन होता है उसको इंड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस. अलग अलग टाइप के जो म्यूटेजेंस होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या फिजिकल रेडिएशंस के थ्रू, उनके थ्रू उसको इंड्यूस करके लाया जाता है. तो एग्रीकल्चर में जो म्यूटेशन होते हैं वो ज्यादा करके इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं, मतलब जिनको लाया जाता है पर्पसफुली इंड्यूस किया जाता है बाई यूजिंग म्यूटेजेंस. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंड्यूस्ड म्यूटेशन. नेक्स्ट है इन म्यूटेशनल इवेंट्स
उसके बाद का ही क्वेश्चन है 133, व्हेन एडेनाइन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानाइन, एडेनाइन जो है अगर ग्वानाइन से रिप्लेस हो जाता है, सो इट इज द केस ऑफ, ये कौन से टाइप का म्यूटेशन होगा। हमने फ्लोचार्ट बनाया था म्यूटेशन का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, तो वहां पर जो है ये एग्जांपल्स की हुई है, कवर की हुई है। ऑप्शन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांजिशन, डी है ट्रांसवर्जन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन तो हमको पता है वो म्यूटेशन नहीं है, इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांजिशन जो है ये एक टाइप है, ट्रांसवर्जन भी एक टाइप है, तो ट्रांसक्रिप्शन तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमने स्टडी किया जिसके अंदर पूरा रीडिंग फ्रेम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो अमाइनो एसिड का जो पूरा सीक्वेंस होता है वही डिस्टर्ब हो जाता है, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फिर यहां पे लेकिन बोला गया है कि एडेनाइन अगर ग्वानाइन से रिप्लेस हो जाए, एडेनाइन अगर ग्वानाइन से रिप्लेस हो जाए तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस में अगर प्यूरीन टू प्यूरीन चेंज होता है या प्यूरीन टू पायरिमिडीन चेंज होता है, तो इनके लिए जो है वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो एडेनाइन को ग्वानाइन से रिप्लेस किया गया है ए और जी से, मतलब ये दोनों जो है वो प्यूरीन बेसिस है, प्यूरीन में एडेनाइन और ग्वानाइन आते हैं। तो अगर एक प्यूरीन बेस दूसरे प्यूरीन बेस से चेंज होता है या रिप्लेस होता है तो इस केस को कहा जाता है ट्रांजिशन, सो इट इज द केस ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट फिर बीच में जो क्वेश्चन है वो हमने स्टडी किए हैं जेनेटिक्स के हैं। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, क्योंकि बीच में जो है जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स के हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो यहाँ रेंडमली दिए हुए हैं तीनों चैप्टर के मिला करके, तो मैं थोड़ा सर्च करके जो इवोल्यूशन के हैं वो वाले अभी करवा रहा हूं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा गया है व्हाट इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑप्शन है CH4 मतलब मीथेन, NH3 दैट इज अमोनिया, H2O, फोर्थ ऑप्शन है O2। तो कौन सी चीज इसमें से नेसेसरी थी, जरूरी थी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। सो वी हैव स्टडीड द मॉलिकुलर थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है वो हमने स्टडी की है, ओपेरिन एंड हार्डेन वाली थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी लाइफ हैज ओरिजिनेटेड इन एक्वेटिक बॉडी, वाटर के अंदर जो है वो लाइफ ओरिजिन हुई है, क्योंकि वाटर जो था वो रिएक्शन मीडिया प्रोवाइड करता था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इस तरह के जो अदर सब्सटेंसेस थे, तो पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए, उसके बाद में फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड लॉन्ग चेन पॉलीमर्स थे वो सब फॉर्म हुए। तो एक सिक्वेंशियल इवेंट बताया गया है ओपेरिन एंड हार्डेन की थ्योरी में। तो ये जो सारे रिएक्शंस थे, all these reactions were taking place inside the water body. तो evolution के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो है water. So the correct option is option C, H2O. Next है कॉसर वेट were formed by, कॉसर वेट्स जो है वो कैसे फॉर्म हुए। कॉसर वेट्स जो होते हैं ये एग्रीगेशन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल लाइक या बहुत माइक्रोस्फीयर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बहुत अर्ली टाइम पर जब इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था तो उस वक्त जो है वो फॉर्म हुए थे। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इनको जो है वो माइक्रोस्फीयर्स का नाम दिया था, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इनको कॉसर वेट्स का नाम दिया था।
तो कॉर्सेवेट्स वेर फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म हुए थे वो मैकेनिज्म पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेडिएशन, सेकेंड ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन, थर्ड ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन, फोर्थ ऑप्शन है डीएनए। तो कॉर्सेवेट्स जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन और एग्रीगेशन से फॉर्म होते हैं, मतलब पहले पॉलीमर बनते हैं जो सिंपल कंपाउंड रहते हैं वो कंबाइन होकर के पॉलीमराइज होते हैं, और फिर वो पॉलीमराइज्ड कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आकर के स्टिक हो जाते हैं, तो पूरा एक एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है, और उस उन एग्रीगेशंस को ही कॉर्सेवेट्स कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड अबाउट, ऑप्शन है टाइम पूछा है, मतलब ईयर बिलियन ईयर्स में टाइम हमने स्टडी किया है वही पूछा गया है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड अबाउट, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 4600 बिलियन ईयर्स एगो, सेकेंड ऑप्शन है 3600 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स एगो, सारे ऑप्शन बिलियन ईयर्स में ही दिए हुए हैं। सी ऑप्शन है 3600 बिलियन ईयर्स एगो, डी ऑप्शन है 1600 बिलियन ईयर्स एगो। सो ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे, तो ये दिया हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में आपको मिलेगा, इट इज 3600 बिलियन ईयर्स एगो, 3600 बिलियन ईयर्स बैक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन 167 क्वेश्चन है, कॉर्सेवेट्स के ऊपर ही है, और सिमिलर क्वेश्चन है 165 के जैसा। कॉर्सेवेट्स आर, कॉर्सेवेट्स क्या होते हैं, नेचर पूछा गया है। ऑप्शन है कोलोइड ड्रॉपलेट्स, सेकंड है दे कंटेन न्यूक्लियो प्रोटीन्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब कोलोइड ड्रॉपलेट भी होते हैं और न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोबायोंट्स, तो प्रोटोबायोंट जो है ये कॉर्सेवेट के बाद फॉर्म होते हैं, प्रोटोबायोंट जो है इसके बाद में फिर जो है वो प्री सेल और उसके बाद में फिर एक्चुअल सेल फॉर्म होते हैं। तो कॉर्सेवेट्स जो होते हैं ये कोलोइडल नेचर के होते हैं, ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन भी होता है, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, उसके बाद का ही क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, पहली लाइफ जो है कहां पर ओरिजिनेट हुई, ऑप्शन है ऑन लैंड, सेकंड ऑप्शन है इन एयर, थर्ड ऑप्शन है इन वाटर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो पहली लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई, मल्टीपल टाइम हमने देखा है, इट टेक्स प्लेस इन वाटर, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन मिलर्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो इनमें से नीचे कुछ नाम दिए हुए सब्सटेंसेस के। मिलर का जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट था जो कि इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव करने वाला था, उसमें इनमें से कौन सी चीज फॉर्म हुई थी, पहला ऑप्शन है अमाइनो एसिड्स, सेकंड है न्यूक्लिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है यूवी रेडिएशन, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोस्फीयर्स। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में जब उन लोगों ने सॉल्यूशन थोड़ा आइसोलेट किया और उसको चेक किया तो उसमें उनको मिला अमाइनो एसिड, सो अमाइनो एसिड वहां पर फॉर्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद का 170, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्सेस ऑफ एनर्जी वॉज वेयर, मतलब अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स, फोर्थ ऑप्शन है यूवी रेडिएशन,
एंड लाइटनिंग। तो यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने इसको सिमुलेट किया था बाय गिविंग हाई वोल्टेज करंट। तो ये सिमुलेट कर रहा था लाइटनिंग और थंडरिंग को, और उस वक्त जो है ओजोन की लेयर फॉर्म नहीं हुई थी क्योंकि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आए नहीं थे, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा जमीन पर आते थे, और ये यूवी रेडिएशन की वजह से फिर जो है कुछ म्यूटेशन भी हो रहा था, थोड़ा पॉलीमराइजेशन भी टेक प्लेस हो रहा था। तो उस वक्त जो अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी था वो यूवी रेडिएशन था और लाइटनिंग था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज, रशियन साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है ओपेरिन, सेकंड है हार्डेन, सी है मिलर और डी है सिडनी फॉक्स। तो इसमें से रशियन साइंटिस्ट जो था वो ओपेरिन था। क्वेश्चन नंबर 172, अर्लीएस्ट हॉट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन, अर्थ का जो अर्लीएस्ट एटमॉस्फेयर था उसमें क्या क्या हुआ करता था। ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कॉमा कार्बन एंड नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कॉमा कार्बन कॉमा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कॉमा सल्फर एंड कार्बन, डी ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कॉमा मीथेन एंड अमोनिया। तो जो अर्लीएस्ट हॉट एटमॉस्फेयर था अर्थ का उसमें क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो उस वक्त जो है पहले ऑप्शन में है हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीसरे ऑप्शन में है हाइड्रोजन सल्फर कार्बन, सल्फर तो नहीं था तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी उस वक्त नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन उस वक्त जो है अवेलेबल नहीं था तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन था मीथेन था और अमोनिया, हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 173 है उसके बाद में, डार्विन इन द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेटेड दैट, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी जो कि डार्विन ने दी थी उसके अंदर क्या बताया गया है। ऑप्शन है कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द इवोल्यूशन, सी ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फेवरेबल वेरिएशंस व्हिच अपीयर अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, फोर्थ ऑप्शन है हेरिटेबल वेरिएशंस अराइज थ्रू चेंजेस इन द जीन कॉम्प्लेक्स ऑफ अ स्पीसीज। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका जो की पॉइंट है वो पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग, ये है। सेकंड है एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द इवोल्यूशन, एनवायरमेंट इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता ऐसा बोला गया। ऑप्शन सी में कहा गया नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फेवरेबल वेरिएशन which appear among individual of a species. B में inheritable variation arise through changes in the gene complex of a species. तो यहाँ correct option है क्योंकि natural selection की theory है। तो natural selection जो होता है वो favorable variation को select करता है, मतलब जब एक organism के अंदर changes आते हैं, अब वो changes आने के reason भी है, prodigality हमने पढ़ा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमने स्टडी किया, तो उसकी वजह से अलग अलग जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं, दीज इन्वायरमेंटल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट वेरियस चेंजेस। अब इन चेंजेस में कुछ यूजफुल चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो यूजफुल चेंजेस होते हैं
इन चेंजेस को नेचर सिलेक्ट करती है और इनको प्रिजर्व करके आगे की जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। कुछ हार्मफुल चेंजेस भी जो है आपकी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन पास होती जाती है जो हार्मफुल वेरिएशन होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं और जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा था। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे जो है यूजफुल चेंजेस जमा हो जाते हैं उसको डार्विन ने जो है वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम दिया था। तो जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव भी करता है और अपनी स्पेसीज को रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे भी बढ़ाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फेवरेबल वेरिएशंस व्हिच अपीयर अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इनमें से किस चीज को एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन है वेस्टिजियल ऑर्गन, सेकंड है ओवर स्पेशलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, फोर्थ ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इनमें से बहुत सिंपल है, किसको एक्सप्लेन करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 175। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। जो स्पेसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है। ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, थर्ड है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज जो है ये मेनली बेस करता है आइसोलेशन पर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। अलग अलग टाइप के आइसोलेशन होते हैं। जब एक सिंगल पॉपुलेशन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो उसको आइसोलेशन कहा जाता है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज उसका रीजन हो सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल रीजंस भी हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्पेसिएशन, मतलब न्यू स्पेसीज बनाने के लिए। तो यहां बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज जो है वो बेस करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीडिंग ऑफ द रीडिंग द एसे ऑफ 176। क्वेश्चन है डार्विन किसकी बुक्स या किसके लिटरेचर को पढ़ के इन्फ्लुएंस हुआ था। ऑप्शन है लायल, वेलेस, माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें से डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी माल्थस के आइडिया से। सो माल्थस वाज द साइंटिस्ट और फिलोसफर भी था। इसने बताया था कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। रिसोर्सेस भी इंप्रूव होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन उनकी रेट बहुत स्लो होती है। सो रिसोर्सेस जो होते हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, जबकि पॉपुलेशन जो होती है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। तो आफ्टर फ्यू जनरेशन रिसोर्सेस जो है वो कम होने लग जाते हैं क्योंकि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, और पॉपुलेशन जो है वो कुछ जनरेशन के बाद में बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो लिमिटेड रिसोर्सेस को लेकर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं अमंग द पॉपुलेशन दे स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, एंड दिस कॉम्पिटिशन इट गो अप टू द लिमिट ऑफ द सर्वाइवल। ये कॉम्पिटिशन जो है सर्वाइवल की लिमिट तक चला जाता है। अब इसी कॉम्पिटिशन में बहुत सारे जो वीक या अनएडप्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो धीरे धीरे पॉपुलेशन से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मोर्टालिटी ज्यादा हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। और जो फिटेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपियरेंस भी होता है, ना सिर्फ वो ज्यादा अपियर करते हैं बल्कि अपनी प्रोडियालिटी भी इंप्रूव कर लेते हैं। उनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। तो ये जो आइडिया था, दिस आइडिया वॉज गिवन बाय माल्थस।
तो ये पॉपुलेशन और रिसोर्सेस का एक कंपैरिजन उसने बताया था, और इसके बेसिस पर डार्विन ने अपना जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का उसको फॉर्मुलेट किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माल्थस। नेक्स्ट है डार्विन ट्रेवल्ड इन, डार्विन ने किस चीज पर ट्रेवल किया? ऑप्शन है बीगल, सेकंड है विक्रांत, सी ऑप्शन है विक्टोरिया, डी ऑप्शन है टाइटैनिक। सो डार्विन की शिप का नाम हमने देखा था, इट वाज द बीगल, HMS बीगल। नेक्स्ट है गैलापागो आइलैंड्स आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गैलापागो आइलैंड का ताल्लुक इनमें से कौन से साइंटिस्ट से है? वेरेस, माल्थस, डार्विन या लैमार्क? सो डार्विन, HMS बीगल पर उसने गैलापागो आइलैंड में पूरा अपना सी वोयाज किया था, और उसने वहां ऑब्जर्वेशन किए और उसके बेसिस पर उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताई थी, और उसने इसको एक बुक में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक उसने लिखी थी, जिसके अंदर पूरी थ्योरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट 179 क्वेश्चन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑब्जेक्टेड बिकॉज इट, डार्विन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको डायरेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। तो एक रीजन इसमें से पूछा गया है कि इसमें से वन ऑफ द रीजन क्या है डार्विन की थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने का। ऑप्शन है स्ट्रेस अपॉन स्लो एंड स्मॉल वेरिएशंस, सेकेंड है एक्सप्लेन्स द एडेप्टेशन ऑफ सर्टेन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, थर्ड है स्ट्रेस ऑन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, फोर्थ है एक्सप्लेन्स दैट नेचुरल कैलामिटीज टेक्स अ हैवी एनुअल टॉल ऑफ लाइफ। तो इनमें से ये चार पॉइंट में से नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ने किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया, ज्यादा स्ट्रेस किया? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ही स्ट्रेस्ड ऑन स्लो एंड स्मॉल वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होते हैं वो स्लो होते हैं और कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो प्रोपेगेट होते हैं। तो एक ये ऑब्जेक्शन था, कुछ ऑब्जेक्शन ये थे कि बहुत सारे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन जो फंक्शन लेस होते हैं बट फिर भी प्रेजेंट होते हैं, वो कई जनरेशन तक का वैसे ही ट्रांसफर होते हैं आगे की ऑफरिंग्स में, तो वो डिसअपियर क्यों नहीं होते? ये भी एक ऑब्जेक्शन डार्विन के सामने, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमोसेपियन इज, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए जो सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस जो है वो कौन सा है? यहां पर कुछ एंसेस्ट्रल फॉसिल्स के नाम दिए हुए हैं, हमको करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो कॉमा करके दिए हुए हैं एक ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है होमो इरेक्टस कॉमा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कॉमा नीएंडरथल मैन कॉमा क्रोमैग्नन मैन कॉमा मॉडर्न मैन, सेकेंड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कॉमा होमो इरेक्टस कॉमा नीएंडरथल मैन कॉमा क्रोमैग्नन मैन, फोर्थ ऑप्शन है मॉडर्न सॉरी सेकेंड ऑप्शन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस नीएंडरथल क्रोमैग्नन मॉडर्न मैन ऐसा दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन में दिया है नीएंडरथल ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्रोमैग्नन होमो इरेक्टस मॉडर्न मैन। तो ऑब्वियसली मॉडर्न मैन तो लास्ट में है, तो सारे ऑप्शन के अंदर मॉडर्न मैन जो है वो लास्ट में ही दिया हुआ है। तो इसमें जितने नाम दिए हुए हैं, इतने कितने नाम दिए हुए हैं, होमो इरेक्टस दिया हुआ है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दो, नीएंडरथल तीन, क्रोमैग्नन चार और मॉडर्न मैन पांच, मतलब हर ऑप्शन में पांच पांच नाम दिए हुए हैं, पांच पांच फॉसिल्स के नाम है। तो अब इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा या सबसे पहले कौन सा अपीयर हुआ? तो आपको पता है होमो इरेक्टस तो जावा और पेकिंग वाला मैन है, तो वो तो एडवांस में आता है, मतलब बाद की स्टेजेस में आया है। नीएंडरथल भी जो है वो
कुछ एडवांस ही है। तो इनमें सबसे प्रिमिटिव कौन है? इनमें सबसे प्रिमिटिव जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो सबसे पहले आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सो दो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहले है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। अब ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में होमो इरेक्टस दिया हुआ है, बट हमको पता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में जो नेक्स्ट सीक्वेंस में था वो है नी एंडरथल जर्मनी का। फिर उसके बाद में आता है क्रोमैग्नन और फिर होमो इरेक्टस और मॉडर्न में। तो यहां क्रोमैग्नन और होमो इरेक्टस में कभी कभी जो है वो कुछ बुक्स में क्रोमैग्नन बाद में होता है और होमो इरेक्टस पहले होता है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि क्रोमैग्नन बाद में होमो इरेक्टस पहले है। तो यहां करेक्ट ऑप्शन जो बनता है सुटेबल वो है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नियंडरथल, क्रोमैग्नन, होमो इरेक्टस और मॉडर्न मैन। उसके बाद में इन विच प्री हिस्टोरिक मैन्स पीरियड वॉज प्रॉपर बरियल फॉर ऑफ डेड बॉडीज स्टार्टेड। बरिंग ऑफ द डेड बॉडी जो है ये कौन से इंसान ने इस रिचुअल को स्टार्ट किया? ऑप्शन है जावा मैन, सेकेंड है क्रोमैग्नन मैन, सी है पेकिंग मैन, डी है नी एंडरथल मैन। तो नी एंडरथल वॉज द फर्स्ट ह्यूमन हु स्टार्टेड द बरियल ऑफ देयर डेड बॉडीज अलोंग विथ सम प्रिमिटिव रिचुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 देखिए। द क्रेनियल कैपेसिटी वॉज लार्जेस्ट अमंग द, क्रेनियल कैपेसिटी जो है इनमें से किसकी सबसे ज्यादा थी? पेकिंग मैन, जावा एप मैन, अफ्रीकन मैन, नी एंडरथल मैन। तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में जितनी क्रेनियल कैपेसिटी दी हुई है उतनी क्रेनियल कैपेसिटी, उतने एंसेस्टर्स की क्रेनियल कैपेसिटी आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी अपने स्टेट बोर्ड में और भी बहुत सारे जो है दिए हुए हैं तो उनकी भी क्रेनियल कैपेसिटी है, तो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आप अगर उसको याद रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें से होमो नी एंडरथलिंसिस मतलब नी एंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी यहां पर पूछी गई, नहीं क्रेनियल कैपेसिटी ये बोला गया कि लार्जेस्ट किसकी है। तो यहां दिया हुआ है पेकिंग, जावा, अफ्रीकन और नियंडरथल। तो इसके अंदर जो है क्रेनियल कैपेसिटी के लिए जो नी एंडरथल मैन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी और बाकी जो है वो उससे थोड़े कम ही है। इसमें से सबसे ज्यादा जो है सीक्वेंस में है क्रोमैग्नन की, होमो सेपियन फॉसिल इसकी 1600 से 1650 तक है। तो ये तो लार्जेस्ट है लेकिन क्रोमैग्नन जो है ऑप्शन में नहीं है। तो पेकिंग, जावा, अफ्रीकन और नियंडरथल में से ज्यादा जो है नियंडरथल की है और ये है 1400 सीसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ऑप्शन है होमो इरेक्टस इज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस, बी है नियंडरथल मैन एंड क्रोमैग्नन वेयर लिविंग एट द सेम टाइम। तो नियंडरथल और क्रोमैग्नन में तो बहुत गैप है, सेम टाइम में नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस वॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबोव, ये ऑप्शन है इसमें से। तो यहां पर बोला गया है करेक्ट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, आपको इसके लिए थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना होगा। तो सीक्वेंस जो है वो है पहले ड्रायोपिथिकस से स्टार्ट हुआ है, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है उसके ज्यादा एंसेस्टर्स जो है वो अफ्रीका में पाए गए तो उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, उसके बाद में होमो हैबिलिस है, फिर होमो इरेक्टस है, फिर नियंडरथल है, फिर क्रोमैग्नन और फिर उसके बाद में मॉडर्न मैन है। तो यहां क्वेश्चन में पूछा गया है
Which of the following statement is correct regarding evolution of mankind? तो first option है Homo erectus preceded by Homo habilis. Homo erectus is preceded by मतलब उसके बाद आने वाला. तो correct है यहाँ पर Homo erectus is preceded by Homo habilis. Homo habilis के बाद में Homo erectus थे. Next है which of the following statement is correct? Again correct statement पूछा गया है. ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज द रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन. नेक्स्ट है नीएंडरथल मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस. थर्ड ऑप्शन है होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ मैन. नेक्स्ट है क्रोमैग्नन मैन्स फॉसिल हैज बीन फाउंड इन यूथोपिया. तो इसमें से देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो रियल एंसेस्टर नहीं माना गया है. मैन विद एक ब्रेन बोलते हैं उसको, लेकिन वो डायरेक्ट और रियल एंसेस्टर नहीं माना गया है. उसको एप और मैन का कॉमन एंसेस्टर माना गया है. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ मैन. होमो इरेक्टस जो बिल्कुल सीधा नियर अबाउट सीधा खड़ा होकर के चलता था उसको मॉडर्न मैन का एंसेस्टर माना गया है. क्वेश्चन नंबर 187 है उसके बाद में देखो द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाय प्रिमिटिव मैन. सबसे पहला डोमेस्टिकेट किया जाने वाला एनिमल मतलब जिसको प्रिमिटिव मैन ने पालना शुरू किया था. ऑप्शन है कैट काउ, सी ऑप्शन है डॉग, डी है हॉर्स. तो सबसे पहला जो डोमेस्टिकेट किया जाने वाला जो एनिमल है वो है डॉग. डॉग को डोमेस्टिकेट किया था. नेक्स्ट है द लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वॉज दैट ऑफ. सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी जो है इनमें से किसकी. देखो अगेन क्रेनियल कैपेसिटी आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है पहले और उसको याद करना है. तो ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमैग्नन, सेकंड है जावा मैन, थर्ड है नीएंडरथल, फोर्थ है मॉडर्न मैन. तो इनमें से सबसे कम जो थी वो थी जावा मैन की. और जावा मैन जो है क्रेनियल कैपेसिटी होमो इरेक्टस में आ जाते हैं ये 800 से 900 सीसी के बीच में थी. नेक्स्ट है 189 द प्रिजर्व्ड फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स शो दैट. आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल है वो क्या शो करता है. फर्स्ट ऑप्शन है इट वॉज अ फ्लाइंग रेप्टाइल इन द ट्रायासिक पीरियड. बी है रेप्टाइल गिव राइज टू बर्ड ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड. सी है इट वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम परमियन पीरियड. डी है रेप्टाइल गिव राइज टू बर्ड्स ड्यूरिंग परमियन पीरियड. तो परमियन पीरियड में बर्ड्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उसका जो एंसेस्टर था जहां से उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो था आर्कियोप्टेरिक्स जिसको हमने स्टडी किया है. कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में. कुछ कैरेक्टर्स जो है वो रेप्टाइल लाइक होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं बर्ड लाइक होते हैं, एवियन कैरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 कैरेक्टर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन इज. ह्यूमन इवोल्यूशन से क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर कौन सा है इसमें से. फर्स्ट ऑप्शन है डिसअपीयरेंस ऑफ टेल, सेकंड है रिडक्शन इन साइज ऑफ जॉस, सी है बाइनोकुलर विजन, डी ऑप्शन है फ्लैट नेल्स. तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन से क्लोजली रिलेटेड है हमको पता है कि प्राइमेट्स में जो है वो ह्यूमन भी आ जाता है, मंकी वगैरह भी आ जाते हैं और गोरिल्ला चिंपैंजी वगैरह भी आ जाते हैं. तो यहां इन सब में जो बाइनोकुलर विजन तो अदर एनिमल्स के अंदर भी होता है. सो द क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशन इज
डिसअपीयरेंस ऑफ टेल, टेल का गायब होना, ये इवोल्यूशन वाइज क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 191, उसके बाद में बायपीडल लोकोमोशन, मतलब दो पैर पर चलना, बायपीडल लोकोमोशन इज एडवांटेजियस बिकॉज इट, बायपीडल लोकोमोशन जो है वो एडवांटेजियस क्यों है, उसका रीजन। ऑप्शन है इंक्रीजेस स्पीड, सेकंड है रिड्यूसेस बॉडी वेट, सी है प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू बॉडी, डी है रिलीजेस फोर लिम्स फॉर अदर पर्पस। तो जो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन है आपको वो पिकअप करना है। तो बॉडी वेट को जो सपोर्ट करता है वो तो हमारा लंबा कर होता है, बायपीडल लोकोमोशन जो होता है उसमें आगे के जो पैर है मतलब फोर लिम मतलब हमारे हाथ वो फ्री हो जाते हैं, तो हम उससे दूसरी एक्टिविटीज दूसरे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट रिलीजेस द फोर लिम्स फॉर अदर पर्पस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, देखिए विच फॉसिल मैन हैज बीन नोन फॉर शिवालिक हिल्स इन इंडिया, मतलब किसके जो स्केलेटन थे वो शिवालिक हिल में डिस्कवर हुए। ऑप्शन है सेनान्ट्रोफस, बी है रामापिथिकस, डी है पिथिकैंट्रोपस और डी है जिंजनट्रोफस। तो इसमें से शिवालिक हिल्स में डिस्कवर होने वाले जो एंसेस्टर थे वो थे रामापिथिकस, इसीलिए इनको शिवापिथिकस भी कहा जाता है, रामापिथिकस। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट 194, द मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम द एप्स इन, मॉडर्न मैन जो है वो एप्स से कैसे डिफर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपसेंस ऑफ टेल, सेकंड है अपीयर्स स्पार्स बॉडी हेयर मतलब बॉडी के ऊपर हेयर का कम होना, सी है ब्रॉडन चेस्ट ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द स्टर्नम, डी है आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स। तो मॉडर्न मैन और एप में इनमें से कौन सा जो डिस्टिंग्विश है वो करेक्ट है वो बताना है। अब्सेंस ऑफ टेल तो दोनों में है, स्पार्स बॉडी हेयर दोनों में बॉडी हेयर रहते हैं, ह्यूमन में थोड़े कम तो रहते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं है, पूरा फुल्ली करेक्ट नहीं है। सी है ब्रॉडन चेस्ट ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द स्टर्नम, डी है आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स। तो ज्यादा जो सुटेबल रिलेवेंट है ऑप्शन वो है आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स, हाथ जो है वो पैर के मुकाबले में छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, प्रोकॉन्सल आर एंसेस्टर्स ऑफ, ऑप्शन है एप्स ओनली, मैन ओनली, बोथ एप एंड मैन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो प्रोकॉन्सल जो है ये एप और मैन दोनों के एंसेस्टर्स है, कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, द टर्म प्रोटोबायोजेनेसिस, प्रोटोबायोजेनेसिस की जो टर्म है इज यूज्ड फॉर द थियरी ऑफ, प्रोटोबायोजेनेसिस की टर्म जो है वो किसकी थियरी के लिए यूज की गई। ऑप्शन ए है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, सी है पैनस्पर्मिया, बी है पैनस्पर्मिया, सी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, डी है स्पेशल क्रिएशन। तो प्रोटोबायोजेनेसिस जो है ये यूज किया गया केमिकल इवोल्यूशन या बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, तो उसको प्रोटोबायोजेनेसिस सिंपल मीनिंग होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब ओपेरिन और हार्डिंग की जो थ्योरी है उसी को प्रोटोबायोजेनेसिस की थ्योरी कहा जाता है। तो प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, मतलब ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। तो इसको एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी गिवन बाय ओपेरिन एंड हार्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म थ्योरी, नियो डार्विनियन थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। नियो डार्विनिज्म थ्योरी मतलब कि डार्विन के बाद में जो मॉडर्न थ्योरी दी गई है, डॉब्जेंस्की, एमिल फिशर, सीवल राइट, इन लोगों ने, तो उसको जो है वो नियो डार्विनियन थ्योरी कहा जाता है। नियो मतलब होता है किसी चीज को रिन्यू कर देना, तो डार्विन की थ्योरी को के कुछ पॉइंट्स को लेकर के इन लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था और कुछ अपने एडिशनल पॉइंट्स उसमें ऐड किए और फिर मॉडर्न थ्योरी उससे बनी है। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनियन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक इसमें से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है म्यूटेशंस, सेकंड है यूज एंड डिसयूज, सी है हाइब्रिडाइजेशन और डी ऑप्शन है म्यूटेशंस टुगेदर विथ नेचुरल सिलेक्शन। तो नियो डार्विनियन थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें म्यूटेशन को भी इंक्लूड किया गया है जो कि डी वेरिस ने इंट्रोड्यूस किया था, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको भी काउंट किया। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है वो भी वन ऑफ द फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए, और साथ में इन लोगों ने जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था उसको भी इंक्लूड किया और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया, जैसे जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया जिसको बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो एक्चुअल में जो मॉडर्न थ्योरी है वो जेनेटिक्स के पॉइंट को इंक्लूड करती है और साथ साथ में नेचुरल सिलेक्शन को भी इंक्लूड करती है। तो नेचुरल सिलेक्शन को इन लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, बस उसको जो है जेनेटिक्स के जो कंसेप्ट से उनसे लिंक कर दिया और इस तरह से मॉडर्न थ्योरी बनाई गई है जो कि डार्विन की थ्योरी के साथ साथ में जो है बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट था वो मॉडर्न थ्योरी का भी एक पॉइंट है, मतलब उसकी पूरी थ्योरी को एज वन ऑफ द पॉइंट मॉडर्न थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, फाइंडिंग्स ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द, मिलर के एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग्स थे, जो रिजल्ट थे, वो किस चीज के एविडेंस को दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं। ऑप्शन है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या के थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। तो ये चार ऑप्शन है। तो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था, स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है वो तो एंशियंट मॉन्क लोगों ने दी थी जिसमें एक सुपर नेचुरल पावर गॉड का कंसेप्ट हुआ था, तो उस थ्योरी को आगे चल के रिजेक्ट किया गया था। बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है ये थ्योरी बताई गई कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, बट इसको प्रूफ करने के लिए जो है लुईस पाश्चर ने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया था। लुईस पाश्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अबायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी, मतलब लाइफ नॉन लिविंग से वजूद में आती है, उसको रिजेक्ट करने के लिए उसने स्वयं ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो हमने देखा था कि एक ऐसा कर्व नेक वाला फ्लास्क था, उसको बाद में उसने ब्रेक किया तो उसमें ग्रोथ हुई, वो वाला एक्सपेरिमेंट पिछले लेक्चर में देखा था हमने। तो यहां पे यूरियन मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए थे, कुछ प्रीमेटिव अमाइनो एसिड, कुछ मोनोसेक्राइड वगैरह फॉर्म हुए थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इट गिव्स द सजेशन फॉर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, द मेन पॉइंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी इज, डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट
क्या है, का मेन पॉइंट क्या है? ऑप्शन है वेरिएशन, सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन, सी है इनॉर्मस फर्टिलिटी, डी है म्यूटेशन। तो उसका जो की पॉइंट था डार्विन की थ्योरी का, तो हमने पढ़ा है इट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इसको कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज। मॉडर्न थ्योरी जो है इवोल्यूशन की, उसके मुताबिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, मतलब जहां पर हम लोग इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। ऑप्शन है इंडिविजुअल, सेकंड है पॉपुलेशन, सी है स्पेसीज, डी है जीनस। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम इवोल्यूशन को स्टडी नहीं कर सकते, इवन फॉर एक सिंगल स्पेसीज या एक सिंगल जीनस के लेवल पर भी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस और कुछ जेनेटिक फोर्सेस रिक्वायर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये अफेक्ट करते हैं होल पॉपुलेशन को। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी द पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। पॉपुलेशन जो है इसको इवोल्यूशन की यूनिट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, मॉडर्न मैन हैज इवॉल्व्ड। मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन कब हुआ, इयर्स दिए हुए यहां पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10,000 इयर्स एगो, सेकंड है 25,000 इयर्स एगो, सी है 5,000 इयर्स एगो, डी है 50,000 इयर्स एगो। तो मॉडर्न मैन का जो इवोल्यूशन है इट अप्रोक्सीमेटली टेक्स प्लेस, टुक प्लेस 10,000 इयर्स बैक, 10,000 साल पहले हुआ होगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वैसे फिगर बेस्ड या नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है आपको बस वही पढ़ना है। तो अगर एनसीईआरटी में नहीं है इस तरह के नंबर या इस तरह की वैल्यू, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट आपको अगर मालूम है तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो गेस करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ रॉक। ज्यादा करके जो फॉसिल्स हैं वो किस टाइप के रॉक में के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन है सेडिमेंटरी रॉक, सेकंड है मेटामॉर्फिक रॉक, सी है इग्नियस रॉक और डी है नन ऑफ दीज। सो मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स जो मिलते हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर मिलते हैं, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक वो होते हैं जो एक के ऊपर एक ऐसा लेयर्स बना करके फॉर्म होते हैं। तो ये सेडिमेंटरी रॉक के अंदर फॉसिल मिलते हैं, और उसके बाद में ये भी समझ में आ जाता है कि जो फॉसिल जितना नीचे की रॉक में मिल रहा है उसकी एज उतनी ज्यादा रही होगी, और बाद में उसकी जो और अप्रोक्सीमेट एज मालूम करते हैं वो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग मेथड से मालूम कर लेते हैं। तो ज्यादा करके जो फॉसिल्स हैं वो सेडिमेंटरी रॉक के अंदर मिलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ गैलापागो आइलैंड्स resembles most closely to plant and animal of। गैलापागो आइलैंड के जो प्लांट और एनिमल जो थे वो ज्यादा क्लोजली किससे रिलेट कर रहे थे। ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड नॉर्थ अफ्रीका, डी साउथ अफ्रीका। तो ये ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करते थे साउथ अमेरिका से, तो साउथ अमेरिका से ज्यादा
क्लोजली रिजेंबल करते थे। डायरेक्ट याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। ऑप्शन है एबीस, सेकेंड है जिंको बायलोबा, सी है इफेड्रा, डी है टेक्सस। तो इनमें से लिविंग फॉसिल क्या है? तो लिविंग फॉसिल आपको पता होगा, किंगडम प्लांटे वाले चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा कहीं। लिविंग फॉसिल वो होते हैं जिनके अंदर कई पिछले कई सौ सालों या कई हजार सालों से कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, और उनकी जो स्पेसीज है वो वैसे के वैसे ही प्रीमिटिव कैरेक्टर्स के साथ में जो है न्यू एनवायरमेंट के लिए एडेप्टेड है। तो इसमें से जो ऑप्शन है जिंको बायलोबा, इट इज कंसिडर्ड एज द लिविंग फॉसिल। इवन साइकस की भी कुछ स्पेसीज जो है वो लिविंग फॉसिल में आती है, क्योंकि जिंको बायलोबा हो या साइकस हो या इफेड्रा हो, ये जो है ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो सीड बियरिंग है बट नेकेड सीड वाले हैं जिम्नोस्पर्म, जो आपने किंगडम प्लांटे में इसको उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, उस वहां पर इसका फोटोग्राफ भी दिया हुआ है किंगडम प्लांटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्ब्स ऑफ हॉर्सेस आर डैश ऑर्गन। बर्ड्स के विंग्स और हॉर्सेस के फोर लिम्ब यानी आगे के पैर, ये किस तरह के ऑर्गन है? ऑप्शन है एनालोगस, बी है होमोलोगस, सी है वेस्टिजियल और डी है नन ऑफ दीज। तो फोर लिंब जो है हॉर्सेस के और बर्ड्स के, आप देखेंगे हॉर्सेस के फोर लिंब्स वो तेज दौड़ने में मदद करते हैं, बर्ड्स के जो फोर लिंब्स होते हैं वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स होते हैं जो कि फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो इनका जो बेसिक प्लान है, ओरिजिन और बेसिक प्लान, ये सेम होता है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है। तो इंटरनली दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, ह्यूमेरस रेडियस उल्ना इस तरह के जो बोन्स हैं वो दोनों में प्रेजेंट रहते हैं और दोनों का ओरिजिन सेम होता है, बट दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर ओरिजिन वाइज और थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज भी सिमिलैरिटी है बट इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन एंड दे लीड टू डाइवर्जेंस। तो यहां एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया हुआ है एनालोगस, होमोलोगस, वेस्टिजियल और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है होमोलोगस ऑर्गन, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। इसमें से वो एनिमल कौन सा है जो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया है? ऑप्शन है इक्वस, प्रोटोप्टेरस, कोलंबा और फोर्थ ऑप्शन है आर्कियोप्टेरिस। सो इक्वस जो है वो हॉर्स है, कोलंबा जो है पिजन है और प्रोटोप्टेरस भी एक एनिमल है, किंगडम एनिमलिया में पढ़ा आपने इसको। सो आर्कियोप्टेरिस इज द एक्सटिंक्ट। तो आर्कियोप्टेरिस जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एन एग्जांपल ऑफ, स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन है एनालोगस स्ट्रक्चर, बी है होमोलोगस स्ट्रक्चर, सी है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, डी है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी मतलब एनालोगस और वेस्टिजियल, तो वेस्टिजियल नहीं है स्वीट पोटैटो और ना ही पोटैटो। तो आपको पता है कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो और पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। तो इनका ये कैसे ऑर्गन होंगे, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस होंगे कि होमोलोगस होंगे या वेस्टिजियल होंगे? सो दे आर, स्वीट पोटैटो जो है दे आर एनालोगस स्ट्रक्चर।
एनालॉगस है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी हुई है, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस एंड प्लेटफॉर्म द सेम फंक्शन एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दे आर टोटली डिफरेंट ऑन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन। तो यहाँ ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं लेकिन दोनों फूड स्टोर करते हैं। सो ये स्वीट पोटेटो एंड पोटेटो आर बोथ यूज फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल, लेकिन इसमें से जो हाँ स्वीट पोटेटो है ये दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन तो नहीं है, इसमें से स्वीट पोटेटो जो है वो मॉडिफाइड रूट है। पढ़ा है रूट के मॉडिफिकेशन में, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल है इसकी। और पोटेटो जो है ये स्टेम टिप का मॉडिफिकेशन है। तो एक रूट का मॉडिफिकेशन है और एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों फूड स्टोर ही करते हैं। तो ये हो जाएंगे एनालोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है? ऑप्शन है ऑल हेलोफाइल, बी है ऑल फोटोसिंथेटिक, डी सी है ऑल फॉसिल्स, डी है ओल्डेस्ट लिविंग बी। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत एंशियंट टाइप के प्रोकैरियोट्स हैं। इवन दे आर बिफोर द ट्रू बैक्टीरिया, मोनेरा में ही काउंट होते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म माना गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, द बुक फिलोसोफी जूलॉजिक इज रिटर्न बाय। फिलोसोफी जूलॉजिक किसने लिखी? ऑप्शन है लेमार्क, लिनियस, डार्विन, माल्थस। तो ये बुक जो है फिलोसोफी जूलॉजिक ये लिखी थी लेमार्क ने। तो यहां तक के हमारा जो इवोल्यूशन का जो चैप्टर था उसके एमसीक्यू के साथ में कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो होगा रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे।